आज का जो लेसन है बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी गाने की कॉर्ड कैसे पता करें, कैसे आप कोई चीज़ पता चलेगी कि कोई पर्टिकुलर सॉन्ग किस कॉर्ड से है। तो आज मैं आपको ये लेसन दूंगा कैसे आपको कॉर्ड फाइंड करने हैं। ये डेमो गिटार पे है, नेक्स्ट डेमो में पियानो पे दूंगा। तो आपके पास मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। फर्स्ट स्ट्रिंग में आपको 12 नोट्स मिलते हैं, 12 नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन, ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प एंड ई। ये 12 नोट्स हैं, मतलब कि 12 आपके पास सुर हैं। कोई भी गाना होगा, चाहे वो मेजर से स्टार्ट हो रहा हो चाहे वो माइनर कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, इन 12 नोट्स में से ही किसी एक सुर से वो गाना शुरू होगा। सपोज करते हैं एक गाना है, मुझे नहीं पता अभी मैं 2 लाइन गाऊंगा, मुझे नहीं पता ये किस कॉर्ड से है। ये शामस्तानी मदहोश किए जाए, लेट्स फाइंड द कॉर्ड। ये 12 नोट्स में करता हूँ, ये शामस्तानी। ये जो मैंने 2 लाइन गाई है, मुझे नहीं पता था इसकी कॉर्ड क्या है, बट ये सी से कुछ मैच कर रहा है। ये सी नोट है, एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी एंड सी। तो या तो ये सी मेजर से होगा या ये सी माइनर से होगा। सो लेट्स चेक माइनर, ये शाम मैच नहीं कर रहा है। सी मेजर ट्राई करते हैं, ये शाम करेक्ट कॉर्ड इज सी मेजर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पता चल गया सी मेजर है, तो अब आपको इसकी कॉम्बिनेशन यूज करनी है, जैसे सी ए माइनर एफ जी, ये कॉम्बिनेशन है, बेसिक कॉम्बिनेशन है सी ए माइनर एफ जी। इन कॉर्ड्स को यूज करके आप गाने पे आप इसको यूज करके प्ले कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि आपको कॉर्ड कैसे फाइंड करनी है। 12 नोट्स आपको यूज कर रहे हैं, ढूंढना है ये कौन सा सुर मैच कर रहा है और उस सुर पे फिर आपको कॉर्ड को फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।